नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल साधु संतों से लेकर मुख्यमंत्रियों तक के दावे पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। सीएम योगी ने इसके लिए हज पर जाने वाले हाजियों का उदाहरण भी दिया और कहा कि भारत से जाने वाले श्रद्धालुओं को हिंदू ही कहा जाता है। उधर बागेश्वर धाम में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 7 दिन का यज्ञ किया जा रहा है। महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया है कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। महंत धीरेन्द्र ने तो आज तक से बातचीत में यह भी दावा कर दिया है कि बहुत जल्द संसद में कुछ बड़ा होने वाला है। पिछले कुछ दिनों से भारत में हिंदू बनाम इस्लाम की एक धार्मिक बहस भी चल रही है। जमीयते उलेमाए हिंद के अरशद मदनी ने दावा किया था कि भारत का सबसे प्राचीनतम मजहब इस्लाम है। अब असदुद्दीन ओवैसी भी वही कह रहे हैं, जबकि संघ से लेकर बीजेपी तक, नेता सांसदों से लेकर मुख्यमंत्री तक कई बार ये कह चुके हैं कि भारत संस्कृति के आधार पर पहले से हिंदू राष्ट्र ही है, उसमें हिंदू राष्ट्र बनाने जैसी कोई बात नहीं है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात वोट के लिए की जा रही सियासत है, या क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाले लोग संविधान की मर्यादा का पालन नहीं कर रहे। क्या आज के भारत और कथित हिंदू राष्ट्र में कोई फर्क है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में संत महात्माओं से लेकर सियासतदानों के बीच होने वाली है बड़ी चर्चा। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। संघ कहता है हिंदू राष्ट्र, पार्टी कहती है हिंदू राष्ट्र, नेता कहते हैं हिंदू राष्ट्र, सीएम कहते हैं हिंदू राष्ट्र और बागेश्वर वाले बाबा कहते हैं हिंदू राष्ट्र बस बनने ही वाला है। वहीं राजपीठ से भी सब आकर के बागेश्वर बालाजी के चरणों में विराजमान होकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर सब अग्रसर हो रहे हैं। बागेश्वर धाम के महंत भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की न सिर्फ मांग कर रहे हैं, बल्कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ बागेश्वर धाम में यज्ञ भी करने लगे। यज्ञ स्थल पर चारों ओर पोस्टर भी लगा दिए गए। कहा कि क्रांति आने वाली है, संसद में कुछ होने वाला है। बहुत मुफीद समय आपको लगता है कि अब हिंदू राष्ट्र के लिए तरफ बहुत तेजी से बढ़ गया, और खासतौर से इस अनुष्ठान के बाद और ये जो संकल्प आपने लिया उसके बाद से पूरे देश में एक तरीके से इस पर क्रांति आ रही है। बहुत जल्दी ये क्रांति किससे संसद में कुछ होने वाला है। क्या संसद से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा? इस सवाल का जवाब महंत धीरेन्द्र शास्त्री ही दे सकते हैं। लेकिन 15 फरवरी को बागेश्वर धाम में मौजूद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने हिंदू राष्ट्र बनाने की योजना पर क्या कहा, वो सुनिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, उसको लेकर आपके क्या विचार हैं, किस तरीके से? अच्छा विचार है। और इसी विचार पर आगे बढ़ते हुए हिंदू राष्ट्र की आशंका से धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम में जो 7 दिनों का यज्ञ शुरू किया है उसमें राजनेताओं के दौरे भी शुरू हो गए। सबसे पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहां हाजिरी लगा कर गए। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बागेश्वर धाम दौरे की घोषणा की जा चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के साथ साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी हाजिरी लगा चुके हैं। आज बागेश्वर धाम की धरती फिर से छूने आया हूं। ओ सन्यासी बाबा के, सन्यासी बाबा के धाम में उनका होने आया हूं। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में किए जा रहे हर प्रयास के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा ने एक दिन पहले भारत में वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनाने की मांग की थी। धीरेन्द्र शास्त्री उस मांग के भी साथ। आपके सनातन धर्म की जब बात आती है तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कहनी है, अगर वक्फ बोर्ड हो सकता है तो भारत में सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। आप अच्छी मांग है, बहुत अच्छी मांग है, आई सपोर्ट। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की सौगंध जब से खाई है तब से भारत में इस विषय पर सियासत गर्म होने लगी। पिछले दिनों जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने तो यहाँ तक दावा कर दिया था कि इस्लाम ही भारत का सबसे पुराना धर्म है। मौलाना अरशद मदनी के उसी दावे को असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से दोहराया है। ये सरजमीन हमारे बाबा आदम यहीं पर आए थे, कई सालों से बोल रहा हूँ, अपना टेलीकास्ट भी किए थे।
जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिनकी तारीख उंगलियों पर गिनी जा सकती है वो सनातन पर सवाल खड़ा करता है तो सूरज को दिया दिखाता है। सीएम योगी ने खुलेआम कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और आगे भी रहेगा। अब सवाल ये है कि अगर भारत संविधान के हिसाब से लोकतांत्रिक राष्ट्र और संस्कृति के हिसाब से पहले से हिंदू राष्ट्र है तो फिर बागेश्वर धाम वाले महंत धीरेन्द्र शास्त्री भारत को और क्या बनाना चाहते हैं। बागेश्वर धाम छतरपुर मध्य प्रदेश से लोकेश चौरसिया और रवीश पाल सिंह के साथ आज तक पेरो। तो हिंदू राष्ट्र पर इस देश में क्या कुछ बड़ा होने वाला है जैसा कि दावा किया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, तो ऐसे में मुसलमानों के लिए जगह कहां है, जिसको लेकर बार बार असदुद्दीन ओवैसी समेत तमाम मुस्लिम धर्मगुरु की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज चर्चा में आगे बढ़ेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शलभमणि त्रिपाठी जी, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। वारिस पठान जी, स्पोक्स पर्सन AIIMIM के हमारे साथ हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जी, RSS के जानकार हैं, नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, आप RJD के स्पोक्स पर्सन हैं, आप भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं हिंदू महासभा के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन शलभमणि त्रिपाठी जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा, मुख्यमंत्री के इस बयान के क्या मायने समझे जाए? नहीं, देखिए बहुत आसान है, मुझे लगता है इसको लेकर जो जो सामान्य लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनमें कहीं कोई इस बात को लेकर इतना कोई इसको लेकर चर्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारी जीवन शैली में, हमारी जीवन पद्धति में, हम साथ में रहते हुए आए हैं, साथ में एक भाव से काम करते हुए आए हैं, कैसे सबका कल्याण हो इस भावना के साथ रहते हुए आए हैं। और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये बात सही है कि आप जानते हैं कि बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज में जब यहाँ से लोग जाते हैं तो उनको कई बार ये कहा जाता है कि नहीं, वो चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, उनको कहा जाता है देखो एक हिंदू आया है। कई बार कुछ और शब्द भी उपयोग में लाए जाते हैं जो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन एक पहचान जो है वो हिंदुस्तान की है। इसका नाम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान यानी कि जहां पर हिंदू रहते हैं, और ये सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को लेकर ये पहचान शुरू हुई थी। और मुझे नहीं लगता कि किसी मुसलमान तो को, किसी सिख को, किसी ईसाई को। वारिस पठान के लिए कौन सी जगह है? नहीं, जगह ही जगह है, जगह ही जगह है। हिंदू धर्म क्या कहता है, या हिंदू जिस बात जिसकी आप बात कह रही हैं वो क्या कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। धर्म की जय हो यानी कि जो सही हो, जो अच्छा हो उसकी जय हो, अधर्म का नाश हो मतलब जो भी खराब है, जो भी बुरा हो उसका नाश हो। ये नहीं कहा कि नहीं हिंदू धर्म की जय हो, हमारी जय हो, चित्रा त्रिपाठी की जय हो, ऐसा नहीं। धर्म की जय हो यानी जो सही है, धर्म यानी जो सत्य है, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो यानी हम सब में सद्भावना हो, हम किसी भी चाहे वो गाय हो चाहे कोई और प्राणी हो सबके प्रति सद्भावना का भाव रखे, और विश्व का कल्याण हो, ये अकेला हिंदू धर्म ही सोच सकता है। हिंदू ही ये बात कह सकता है कि हमारा कल्याण ना हो, केवल हमारे धर्म का कल्याण ना हो, हमारे देश का कल्याण ना हो, बल्कि विश्व का कल्याण। ये वारिस पठान जी कौन से धर्म से हैं या उनके समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग? नहीं, देखिए वो इस्लाम को मानने वाले हैं लेकिन हिंदुस्तान में रहते हैं, और उनके बहुत सारे मित्र हैं जो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हिंदुस्तान का मतलब क्या है? वारिस साहब से ही पूछिए, इस्लाम को मानने वाले हो सकते हैं। और ये तो हिंदुस्तान, यही तो हिंदू की, हिंदू सभ्यता की खूबी है कि कोई किसी पंथ का मानने वाला हो, बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे आपस में मानने वाले लोग हैं, बहुत बहुत चीजों को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग देवी देवता हो सकते हैं, लेकिन हिंदू जो शब्द है वो नकारात्मक शब्द नहीं है, उसको कतई नकारात्मकता से मत जोड़िए, सबको साथ लेकर चलने वाला है, और ये तो हजारों सालों का इतिहास वाला है शब्द हिंदू, और हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। वारिस पठान जी बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सहमत है आप उनकी इस बात से? देखिए जो नहीं, देखिए चित्रा जी, जो इस तरह की बातें करते हैं ना, चाहे योगी जी हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, जो भी, वही हमारे पुरखों का, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करते हैं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया है, ये संविधान का लोग उल्लंघन करते हैं। संविधान में कहाँ लिखा है कि ये देश हिंदू राष्ट्र है? हमारा भारत देश तो धर्म निरपेक्ष देश है, ये लोग क्यों हमारी डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं, सेकुलर फैब्रिक को नष्ट करना चाहते हैं, ये लोग बार बार आके इस तरह की बातें करना, तो ये एक तरह से असंवैधानिक चीज है। योगी जी संविधान की शपथ लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और जिस संविधान का आप हवाला दे रहे हैं, कहां से आ गए ये वाली बात? लोग बताते हैं कि संविधान की जो मूल प्रति है, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर की ओर से बनाई गई थी, उसमें राम दरबार भी है, वहां पर भगवान कृष्ण गीता को उपदेश दे रहे हैं, वहां पर गंगा मैया भी है, भगीरथ भी है, तो हिंदू धर्म से जुड़े जितने भी चित्र हैं सब उसमें उकेरे गए हैं, इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं आप लोग?
हिंदू धर्म ही अपने आप में निरपेक्ष है, वो इस बात का दावा उस संविधान में उस संविधान में वारिस पठान भी है, उस संविधान के अंदर इक्वालिटी है, उस संविधान के अंदर ये कहा गया है कि जितने भी हम भारतीय हैं सबको इक्वल अधिकार है, जितना अधिकार इस देश में योगी को है उतना अधिकार वारिस पठान को भी है, और उस संविधान में ये भी कहा गया है कि हर इंसान को अपने अपनी तरह से अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का पूरा पूरा अधिकार है। तो फिर किस तरह से लोग संविधान की बात करें, अरे इनको शर्म आना चाहिए, तो संविधान का उल्लंघन करते जा रहे हैं लोग। अभी हिंदू राष्ट्र कहने से बंदिश कहां से आ जाती है जी? हिंदू राष्ट्र क्यों बंदिश आती है? हमारे देश का अधिकार कम हो जाएंगे? क्यों करना? लेकिन हिंदू राष्ट्र क्या मैं वारिस पठान अगर बोलेगा कि मैं भी इस देश का पक्का सच्चा नागरिक हूं, इसको मुस्लिम राष्ट्र कर दो तो क्या होगा? फिर कितना बड़ा धमाल हो जाएगा? फिर नहीं कर सकते आप, इक्वालिटी है, ये संविधान है चित्रा जी, आप मैं मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते, हमारे पुरखों ने बनाया है और हमको फखर है ना कि हम इस संविधान का पालन करते और बात मानते हैं। मगर ये लोग को नहीं फखर है, ये चाहते हैं कि नफरत फैले, इनका एजेंडा बन गया है चुनावी, क्योंकि अभी लोग इनको सवाल कर रहे हैं। और मैं एक और सवाल करूंगा शलभमणि त्रिपाठी जी, आपसे, योगी जी से, धीरेन्द्र शास्त्री से, जो लोग भी ये बोलते हैं कि हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा, तो क्या नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है वो भी इस बात को एंडोर्स करते हैं, मानते हैं? क्या बीजेपी भी इस बात का समर्थन करती है और मानती है? हाँ या ना में इसका मुझे जवाब दीजिए, देश जानना चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी का इसके ऊपर क्या स्टैंड है। हाँ बोलिए शलभ जी। देखिए आप अगर संकीर्णता में देखेंगे तो आपको लगेगा कि हिंदू और मुसलमान और तमाम सारी चीजों में अरे जवाब कह रहे हैं। नहीं नहीं मैं कहता हूँ आप संकीर्णता मत देखिए। आपने कहा कि मुस्लिम धर्म को प्रैक्टिस करने की, सारे धर्मों को अपनी इबादत करने की आजादी है, तो इस हिंदुस्तान का इतिहास रहा है और आज से नहीं सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से जो लोग आए यहाँ पर उनको पूरी इजाजत थी, सबने अपने अपने धर्म का पालन किया, सबका स्वागत किया, वसुधैव कुटुंबकम। ये बात मुझे बताइए कहाँ से आई? ये भारतीय संस्कृति से आई, सनातन संस्कृति से ही ये शब्द आया कि वसुधैव कुटुंबकम। और जो कुछ भी कानून के तौर पर सामने आपके आया है, ठीक है, वारिस पठान, शलभमणि त्रिपाठी, सब बराबर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक आपकी कानून के अंदर एक पहचान एक नागरिक के तौर पे हो सकती है, लेकिन आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहां से आए, ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। आप जिस माटी से पले बड़े हैं, आपके पुरखे जिस माटी में पले बड़े हैं, वो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान रहेगा। लेकिन कहीं इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी से कोई भेदभाव है, कहीं कोई किसी के साथ कोई दुराव है। ये सांस्कृतिक शब्दावली है, इसको किसी मजहब से जोड़कर नहीं देखा जाए। हिंदू शब्द को बार बार योगी जी इस बात पर जोर देते हैं। वारिस पठान जी, जी जी, अभी इन्होंने मेरे को बहुत सारे सवाल किए तो मैं एक जवाब इनको देना चाहूंगा। सर देखिए, मैं चित्रा जी ना मैं मौलवी हूं, ना मैं कारी हूं, ना मौलाना हूं, ना इस्लामिक स्कॉलर हूं, मैं एक एडवोकेट हूं, एक प्रवक्ता हूं, एक MLA रह चुका हूं। मैं बताऊंगा मुझे इस्लाम में क्या सिखाया गया है और उनको क्या बताया गया है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने दुनिया में सबसे पहले हजरत आदम अलैहि सलाम को भेजा। हजरत आदम अलैहि सलाम दुनिया में सबसे पहले आए और सबसे पहले हिंदुस्तान में आए, तो इस हिसाब से तो हिंदुस्तान हमारे बाप हजरत आदम अलैहि सलाम का हुआ। ये मैं भी मानता हूं, मेरी भी मान्यता, ये इस्लाम के जानने वाले जितने सब ये मानते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगा वारिस पठान ने बोल दिया मेरे बाप का मुलुक है पूरा भारत देश, तो शलभमणि त्रिपाठी भी चिल्ला पुकार कर देंगे। मगर नहीं, यही तो हमारी ब्यूटी है ना, हम सब बोलते हैं, हम सब भारतीय, शलभमणि त्रिपाठी है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं बात वहां की बताता हूं, मैं भारत देश का वासी हूं, अपने भारत देश की बात बताता हूं। इसके सेकुलर फैब्रिक को तोड़ने की कोशिश मत करो, मत हिलाओ हमारे डेमोक्रेसी के खंभों को कुछ चुनिंदा वोटों के लिए। अरे जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है, जनता आपसे सवाल कर रही है, सवाल के जवाब नहीं है आपके पास कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार कब मिल जाएगा, अडानी को कब रोका जाएगा बाहर भागने से, कब उसका पासपोर्ट ले लिया जाएगा, कब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर मीटिंग जब कराई जाएगी, कब पेट्रोल डीजल गैस का भाव कम हो जाएगा, कब डॉलर के बनिस्बत रुपया कम हो जाएगा, आपके पास कोई सवालों के जवाब नहीं है। इसलिए आए दिन RSS विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग धर्म संसद के नाम के ऊपर एक ही काम करते हैं, मुसलमानों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, बीजेपी को आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, राष्ट्र की बात करो, ठीक है, यही काम आपके पास रह गया है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो मणि जी जल्दी। देखिए वारिस पठान साहब को मैं जानता था कि ये MLA रहे हैं, प्रवक्ता हैं, कानूनविद भी हैं, आज इन्होंने बताया। और क्या कह रहे हैं कि हमारा धर्म ये मानता चला रहा है कि नहीं हिंदुस्तान के भीतर इस्लाम की उत्पत्ति हुई। बात समझ लीजिए इसी बात से, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति ये इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, इनको अधिकार है। क्यों? क्योंकि इस्लाम को फॉलो करते हैं ये, अपनी अपनी विचारधारा थोप सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस्लाम को फॉलो करते हैं। लेकिन
जो इतिहास इनको पता है, मैं तो कहता हूँ आइए उत्तर प्रदेश में, मैं आपको दिखाता हूँ। आपके समाजवादी पार्टी के एक विधायक है जिनका नाम है इरफान सोलंकी, सुनिए सुनिए, अरे बात सुनिए, इरफान सोलंकी एक विधायक है समाजवादी पार्टी के। जरा पूछिएगा कि इरफान के नाम के साथ सोलंकी क्या जुड़ा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा वारिस पठान साहब हिंदुस्तान का इतिहास क्या है और कौन पहले आया और किसने हिंदुस्तान में आकर यहाँ पर काम किया। अभी मुनव्वर राणा साहब से पूछिए कि मुनव्वर के पीछे राणा कहाँ से आया, ऐसे हजारों नाम है वारिस पठान साहब, फिर आपको समझ में आएगा कि हिंदुस्तान की संस्कृति क्या थी, सनातन क्या है, वसुधैव कुटुंबकम क्या है और हिंदू धर्म क्या है। इसलिए आप हिंदू को समझ नहीं पाते, इसलिए आपको समझ दिक्कत होती है। ठीक है सर, बाकी मेहमानों को भी शामिल कराते हुए, ठीक है, हिंदू महासभा के अध्यक्ष चंद्रपाणी जी महाराज हमारे साथ है, एक बार उनकी टिप्पणी ले लें, उसके बाद स्टूडियो में दो मेहमान है। ठीक है सर, एक बार उनकी टिप्पणी हो जाए। अरशद मदनी ने जो बयान दिया है ये तो उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि आदम से ही यहाँ पर और इस्लाम के सर से पनपा हिंदुस्तान में वही वो पढ़े हैं, तो ये तो वही बातें कह रहे हैं जबकि आपका सनातन धर्म बताता है जल से जीवन की शुरुआत हुई स्वामी चक्रपाणी जी। तो फिर ये जो हिंदू राष्ट्र का आप लोग सपना देख रहे हैं क्या होगा इसका? ये केवल वोट बैंक की राजनीति है या आप लोग समय समय पर एक शगुफा छोड़ देते हैं? नहीं नहीं चित्रा जी, शगुफा नहीं है, देश की भावना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये देश हिंदू राष्ट्र तो उसी दिन बन गया था जब 14 अगस्त 1947 को जब देश का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ, एक पाकिस्तान बन गया, तो उसके बाद स्वाभाविक था कि ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से था, निश्चित रूप से उसको प्रत्यक्ष रूप से करने के लिए संसद से मुहर लगाना जरूरी है, उसके प्रयास चल रहे हैं। दूसरी बात, जो मनु जी महाराज को जिसको अभी पठान साहब ने कहा और मदनी साहब ने भी कहा कि मनु जी महाराज हमारे उनके हम वंशज है जिसको आदम में कहते हैं, तो मनु जी महाराज स्वाभाविक है कि वो भगवान विष्णु के भक्त थे और वो सनातनी थे, जब सनातनी थे तो स्वाभाविक रूप से भी सनातनियों का ये वंशज हुए, तो इनको हिंदू राष्ट्र में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और हमारे पूर्व अध्यक्ष वीर सावरकर जी ने कहा था कि सिंधु सिंध पर्यत्ता यस्त भारत भूमिका पितृभू पुण्यभू च, यानी जो भारत वर्ष को पितृभू और पुण्यभू दोनों माने, यानी जो हमारे पितृभू भी और पुण्यभू वो हर हिंदू है। सवाल इस बात का है कि आप वंदे मातरम पठान साहब बोल नहीं पाते, क्योंकि इस वंदे मातरम की जय जयकार आप नहीं बोल सकते, आप भारत माता की जय नहीं बोल सकते। तो जो जय नहीं बोलेगा वो हिंदू राष्ट्र में नहीं रहेगा, हिंदू राष्ट्र में वो रहेगा जो यहाँ पे वंदे मातरम बोलेगा। वो नहीं, 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 सवाल विश्व में ऐसा कोई देश नहीं होगा जो अपने यहाँ राष्ट्रद्रोहियों को रखे। मैं आपको बता रहा हूँ चित्रा जी, कौन ऐसा देश है जो नहीं कहता कि राष्ट्रवादी बनो, कौन ऐसा देश है जो अपने नागरिकों को नहीं कहेगा कि आप वंदे मातरम बोलो? सवाल इस बात का, इस चीज को आप देखो कि समान नागरिक संहिता, चित्रा जी भारत ही एक ऐसा देश है कि हम बहुसंख्यक कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता लागू करो, पाकिस्तान में तो हिंदू नहीं बोल पा रहे, उनको तो बराबरी का अधिकार नहीं है, यहाँ बहुसंख्यक उसमें रोड़ा पड़ा रहा है, हम तो बराबरी का अधिकार कर रहे हैं। तो ये जबरदस्ती थोपना हो गया ना स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, तो ये तो जबरदस्ती थोपना हो गया ना उनके ऊपर। नहीं नहीं, ये थोपना नहीं, आप सुनिए चित्रा जी, हमारे उस हिंदू राष्ट्र में जब मुहर लगेगा तो किसी के साथ अन्याय नहीं है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है, यही तो बात कर रहा हूं कि सब बराबरी का अधिकार। चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा कि हमारा धर्म का, हमारा भारत का धर्म सनातन है, हाँ। तो स्वाभाविक है। अब मनु जी महाराज को जब ये भी मानते हैं तो सो है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय, ये तो विश्व का, ये तो ब्रह्मांड का धर्म है सनातन, जो किसी ने स्थापना नहीं किया। सनातन धर्म कोई मजहब नहीं है, वो धर्म है जो शुरू से है, तो इसलिए जो धारण किया जाए वही धर्म है। मृत्युंजय तिवारी जी, हिंदू राष्ट्र बनाने में हमें लगता है प्रधान साहब और असुद्दीन वैसी सबको साथ देना चाहिए। ठीक है, वो कह रहे हैं सबको साथ देना चाहिए। ठीक है तिवारी जी, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं स्टूडियो में तुरंत आ रही हूँ, बोलिए। मैं वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपको साथ देना चाहिए। स्वामी चक्रपाणी ने ये कहा कि जिसको भारत देख अभी नहीं नहीं उन्होंने और एक भी बात कही, स्वामी चक्रपाणी ने अभी ये कहा कि जिसको भारत देश में रहना है उसको वंदे मातरम कहना होगा, भारत माता की जय कहना होगा, सब बोला। मैं स्वामी चक्रपाणी ये इसको मानता हूं संविधान को, ये संविधान में कहां लिखा है कि मुझे यहां रहना होगा, और आप कौन होते हैं मुझे सर्टिफिकेट देने वाले नेशनलिज्म और पेट्रोटिज्म का? और हमको वो लोग हैं जिन्होंने जितना कैलकुलेशन देने को ठुकरा दिया। 1947 में हम बाय बर्थ और बाय चॉइस हमने हमारे भारत देश को अपनाया। आप यहाँ पे बाय बर्थ हो, वारिस पठान के वालिद और मेरे दादा यहाँ पे बाय बर्थ और बाय चॉइस पे, मेरा अधिकार ज्यादा ही है देश के ऊपर, आपका अधिकार नहीं है देश में।
मेरा अधिकार ज्यादा है। आना होगा तो राष्ट्रवादी तो बनोगे भाई। जिस देश क्यों बोलूं, जिस देश आप बोलेंगे तो बोलूंगा, नहीं बोलता चलो करोगे तो भाई आपके बोलने से नहीं बोलूंगा मैं। बांग्लादेश चले जाओ, संविधान ने कहा लिखा है, संविधान में पहला बताओ मेरे को कहा लिखा है, मुझे ये बोलना है और मुझे नेशनल आपके सामने आप कहते जब देश की आजादी के टाइम पे देश की आजादी में तो हमारे बुजुर्ग जाने का मुझे लग रहा है भटक जाएंगे। मेन मुद्दे पर रहते हैं संगीत रागी जी, देश तो संविधान से चलेगा ना या आप लोगों के हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना से आगे बढ़ेगा? देखिए मुझे लगता है कि जब आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं तो हम गलत दिशा में अपने विमर्श को ले जाते हैं। इस देश की प्रकृति हिंदू है क्योंकि इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता और इस देश के संस्कार हिंदुओं के फोर फादर्स, हिंदुओं के पूर्वजों ने जिसे सनातन धर्म के मानने वाले कहते हैं उनका है। आपके शरीर में यदि अम्लीय तत्व ज्यादा है तो उसका आपका कैरेक्टर भी वैसा ही होगा। कंपाउंड का कैरेक्टर जिसमें डोमिनेंट रेडिकल होता है उसी के अनुसार उसका कंपाउंड का कैरेक्टर तय होता है। वैसे ही जब तक इस देश में मेजोरिटी हिंदुओं की है तब तक इस देश की प्रकृति हिंदू राष्ट्र ही रहेगी और हिंदू राष्ट्र का मतलब सबको समाज साथ ले चलने की क्षमता इस देश में रहेगी। और जिस दिन मुस्लिम पॉपुलेशन इस देश में बढ़ेगा भारत की जो प्रकृति है वो हिंदू होने की कमतर जाएगी। जैसे आप गुलाब का बागीचा है और गुलाब के बागीचे में यदि कांटों का आप बहुत सारा पेड़ खड़ा कर दें तो बाद में वो गुलाब का वाटिका नहीं रह जाएगा, फिर वो कांटों की वाटिका हो जाएगी। तब इस देश में अफगानिस्तान होंगे, सीरिया होंगे, अल्जीरिया होंगे, मोरक्को होंगे, तब शरीयत लागू होगा, तब इस देश में जो सारे धर्म, सारे संप्रदाय, सारे पंथ जिस प्रकार से अपनी बातों को कहने की स्वतंत्रता रखते हैं वो नहीं होगा। आपने देखा होगा केरल के अंदर मुस्लिम गांव बन जाता है, मुस्लिम इलाके बन जाते हैं। अभी पलामू के अंदर आपने देखा कि मस्जिद के पास आप तोरण द्वार नहीं लगा सकते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कल यदि हिंदू कहना यह शुरू करे कि ये हिंदू डोमिनेटेड है, यहां एक भी मुसलमान को रहने नहीं देंगे, कल यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई शहर में कहे कि हिंदू कहे कि ये मुस्लिम हिंदू डोमिनेटेड शहर है, इसमें मुस्लिमों का कोई जुलूस नहीं निकल सकता, हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे, तो ये मानसिकता कहां से आती है? जब जो मुस्लिम इलाके डोमिनेट होते जाएंगे, अफगानिस्तान हमसे उसी दिन चला गया, बांग्लादेश उसी दिन चला गया, पाकिस्तान इसीलिए बना, और आने वाले दिनों में ये हिंदू राष्ट्र रहेगा या नहीं ये इस बात पर निर्भर करता है कि मुसलमानों की जनसंख्या यदि बढ़ती है तो वो हिस्से भारत के लिए खतरनाक साबित होंगे। ये हिंदू मुसलमान आप लेकर आते, मैं आऊंगी, कई ऐसे सवाल हैं इस पर आप जवाब दीजिएगा। नहीं बस आप, आप हमेशा रोज यहाँ आप हिंदू मुसलमान की बातें आप करते हैं। हमने यदि कहा कि जो प्रकृति जो दिख रहा है, जो पैटर्न दिख रहा है, रांची के अंदर कहा जा रहा है कि ये गांव मुसलमानों का है, आप यहाँ पर आप मंदिर में घंटी नहीं बजा सकते हैं, वहाँ पर समर्थन केरला के अंदर एक गांव कह रहा है कि हम मुस्लिम डोमिनेटेड गांव हैं, यहाँ भजन कीर्तन नहीं हो सकता, ये क्या है, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है। मृत्युंजय तिवारी जी, उनका ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब धर्म निरपेक्षता की गारंटी। एक सेकंड, 10 सेकंड खत्म। कौन ऐसा देश है जहाँ पर बहुसंख्यक समाज अपने आप को अल्पसंख्यक समुदाय में खत्म होता हुआ अपने आप को देखेगा? कोई नहीं देखेगा। और माइनॉरिटी में बार बार ये जो कर रहा हूँ, यदि आप मुस्लिम के तौर पर अपने आप को बार बार प्रोजेक्ट करेंगे जो सऊदियों ने वैसी की पार्टी करती है तो हिंदू भी पोलराइज होकर के हिंदू की तरफ। मृत्युंजय तिवारी जी वो जिक्र कर रहे हैं झारखंड का, पलामू के पाली में जो कुछ हुआ है, तोरण द्वार को लेकर इस तरह का बवाल मचेगा, शिव बारात नहीं उतने दी जा रही है वहां पर जिसको लेकर हंगामा हो रहा है। देखिए चित्रा जी, और वो कह रहे हैं कि द हिंदू राष्ट्र होना मतलब धर्म निरपेक्षता की गारंटी। ठीक है, दुर्दशा यही है। ठीक है, ठीक, एक बार उनकी बात हो जाए। देखिए चित्रा जी, ये जो कट्टरपंथी ताकत है ये हिंदुस्तान को खोखला कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान अपने संविधान से चलेगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसलिए कहा गया है। और ये लोग आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी, धर्मगुरुओं की बात हम नहीं करेंगे वो क्या कह रहे हैं, लेकिन जब कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जिन्होंने संविधान का लिया है सौगंध, शपथ लिया है, वो इस तरह की बात करता है तो सवाल खड़े होते हैं और इसी की लड़ाई आज खड़ी है। कल ही कानपुर में मां बेटी की झुलसकर मौत हो गई, बेरोजगारी का, महंगाई का, सारे समस्या जो है, एक माननीय मुख्यमंत्री, वो आप हिंदू राष्ट्र बनेगा
अरे ये देश चलेगा अपने संविधान से, अपने नियम कानून से, कि आरएसएस के नियम कानून से, बीजेपी के नियम कानून से, जिस संविधान की शपथ आदरणीय योगी जी ने खाई है उसको कह दें कि हमने शपथ नहीं खाई है। तिवारी जी, आपने पूरे पश्चिम अंचल को इस्लामिक पॉकेट खड़ा करवा दिया है। ये सब भाषण से कुछ नहीं हो सकता है, ये जान लीजिए। किशनगंज पूर्णिया अररिया क्या कर दिया है? आपको प्रवचन दे दिया। हम कहना चाहते हैं चित्रा जी, इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, वो सब लोग यही कहते हैं, चाहे हम लोग हो चाहे आप लोग कोई हो, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये हिंदू मुस्लिम आखिर करके आप क्या चाहते हैं? लेकिन नौजवानों को, लेकिन पलामू में तोरण द्वार नहीं लगने दिया जा रहा है ना, 144 धारा लगानी पड़ी है ना। ये सब कैसे कर रहे हैं? पहली लाइन देश का फैब्रिक अगर इस तरह का है, सेकुलर है, तो किसी को भी कुछ भी कहीं पर लगाने का अधिकार होना चाहिए। हमने एक चौराहे पर तोरण द्वार नहीं लग सकता अगर कोई इस तरह का बड़ा आयोजन हो रहा है। पहली लाइन यही कि कट्टरपंथियों, तो चाहे किसी धर्म के हो, किसी आतंकी की, किसी अपराधी की, इस तरह के तत्वों की कोई जाति और धर्म नहीं होती। कानून अपना काम करेगा। कि आप लोगों की सरकार नाकाम रही है वहां? नहीं नहीं, कोई सरकार, हमारी सरकार इसी की लड़ाई है कि जो आपसी भाईचारा, मिल्लत, प्रेम को नफरत में बदला जा रहा है, नफरत की खेती हो रही है, उसे जोड़ने के लिए, उसे बचाने के लिए, यही तो लड़ाई है। हर त्योहार में अगर इस तरह से 144 लागू कर दी जाएगी, ये कैसे रहेंगे? इसलिए कुछ लोग चाहते हैं इसी तरह की राजनीति देश में हो, इसी तरह चाहते हैं मुद्दे पर, बीजेपी चाहती है इसी तरह की मुद्दे पर बहस। कानून आपके पास है ना? कानून आपके पास क्या ये मुद्दा नहीं है? एक जगह जहां दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ जाते हैं, क्या ये मुद्दा नहीं है? वहां पर कानून व्यवस्था को अगर धता बताते हुए लोग लड़ाई लड़ने लगते हैं तो वहां प्रशासन देखेगा इस मुद्दे को और अपना काम करेगा, चाहे कोई धर्म के लोग हो, अगर गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन आजकल जो ये खतरनाक डिजाइन बना हुआ है, जैसे जैसे 24 का लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, इसी रंग में देश को रंगने का प्रयास किया जा रहा है, ये सारी जनता समझ रही है। हाँ। जनता के पेट में भूख लगी है, नौजवानों किसानों के पेट में, और आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कब बनाएंगे? सशक्त हिंदुस्तान, समृद्ध हिंदुस्तान भारत कब बनेगा? बेरोजगारी मुक्त भारत कब बनेगा? ये नहीं बता रहे। बोले संगीत किसानों के लिए भारत कब बनेगा? हाँ। ये नहीं बता रहे। देखिए देखिए चित्रा जी, समृद्ध हिंदुस्तान जो है चारा खाने से तो नहीं बनेगा। ये चारा खाने वाले, चारा ना, खाने वालों ना, पर जो आप बता रहे हैं ना, इसी से आपकी मानसिकता पता चलती है कि आपका कहां पर निगाह है, कहां पर निशाना। बोल लेने दीजिए। आप क्या बोलिएगा? आप तो आगे प्रतिकर आप है यहाँ पर, सुन लीजिए, आप यहाँ पर आरएसएस के जानकार है। अगर आपको चारा खाने पर, तो अडानी को पैसा, देश का खजाना लुटाने पर बोल दीजिए, सुरक्षा तो दीजिए, अडानी के खजाना लुटाने पर बोल दीजिए कि पहरेदारी चौकीदार अडानी के करने लगे, देश की जनता को भूल बताते हैं। अब बताते हैं बिहार को, आने वाले दिनों में बिहार, बंगाल, ये सब पीएफआई के हब होने जा रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है, और लालू प्रसाद की पार्टी काहे के लिए बीजेपी जितने जितने इस्लामिस्ट गुंडे बड़े थे वो सब इनकी पार्टी के हिस्से रहे हैं, सब इनकी पार्टी के हिस्से रहे, जितने बड़े बड़े गुंडे रहे हैं इस्लामिस्ट, जो सब इनके पार्टी के साथ थे, उनका जवाब इनके पास नहीं। अब आप सोचिए, ये खतरनाक है, ये खतरनाक स्थिति है। आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं, तोड़ने वाली भाषा, बंगाल के अंदर क्या हुआ है, आसाम के अंदर क्या हुआ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ है, पूरी डेमोग्राफी बदल दी गई है। भारत के अंदर 100 से ज्यादा ऐसे भारत के हिंदुस्तान पूरी डेमोग्राफी बदल दी गई है, कोई डरा नहीं सकता है। आप डरा डरा कर वोट मत लीजिए हिंदुओं का, ये सब समझ रहे हैं लोग, हिंदू भाई भी। आपका मकसद है सिर्फ हिंदुओं को डराना। अरे लेकिन लोग भाई भाई, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वैसे ही हिंदुस्तान में रहना चाहिए। मृत्युंजय जी, लेकिन यहाँ पर संविधान की मूल प्रति आपने देखी है, वहाँ पे राम दरबार क्यों लगाया गया? राम दरबार क्यों लगाया गया वहाँ पर? किसी भी और धर्म के, सर सुनिए ना, लिखा हुआ पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? बाबा साहब अम्बेडकर ने तो जोड़ा नहीं था, आप बताइए कब जोड़ा गया? अगर अगर इस तरह का तर्क आएगा तो पलट के ये सवाल पूछे जाएंगे। संविधान की मूल प्रति में हिंदू धर्म से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह क्या कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। चित्रा जी, जो हिंदुस्तान में के संविधान में जो आप प्रतीक चिन्ह की बात कर रहे हैं, उस बात से कौन इनकार कर रहा है? आप जाकर मंदिर में, हम लोग पूजा करते हैं, हमारे भाई मस्जिद में जाकर अजान पढ़ते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं हमारे भाई,
जाते हैं हाँ। कृष्ण यहाँ क्या कहता है हमारे कृष्ण भाई, इन लोगों का ये कहना है संविधान की जो मूल प्रति है उसकी जो आत्मा है वो सनातनी है। अरे आत्मा इनका ये कहना है, आत्मा हिंदुस्तान का आत्मा कहाँ है? खेतों और खलियानों में है, गांवों में है, जहाँ की लोग आज अगर भूख लगेगी ना चित्रा जी, और आप उन्हें जाकर के कहेंगे कि आप जो है संविधान का मूल प्रति में क्या लिखा हुआ है, अरे मृत्युंजय तिवारी जी अब अपनी ही बात पे फंस जाएंगे ना। देखिए एक तरफ आप बाबा साहब के संविधान का हवाला दे रहे हैं पंथ निरपेक्षता के लिए, पलट के सवाल पूछ लो सनातन आत्मा को लेकर फिर आप हमको खेत का यहाँ दिखाने लगते हैं। संविधान में क्या लिखा हुआ चित्रा जी, संविधान की मूल आत्मा क्या कहती है, संविधान में क्या सबको पता है? नहीं लिखा है, बिल्कुल नहीं लिखा है। लेकिन इतनी सारी हिंदू धर्म से जुड़ी हुई वहाँ पर अगर कलाकृतियां चित्रकारी है तो उसका कोई मतलब होगा ना। चित्रा जी भगवान राम अपने दरबार के साथ वहाँ पर क्या कर रहे हैं, गंगा मैया वहाँ पर क्या कर रही हैं भगीरथ के साथ, पूछा जाएगा ना कि मूल संविधान में ये भी है। कुरुक्षेत्र का भी जिक्र है, गीता के संदेश का भी उसमें चित्रकारी के माध्यम से जिक्र है। भगवान राम और गणेश जी राजनीति का संविधान है, संविधान के भीतर है, संविधान के मूल प्रति में है। सबसे बड़ा ग्रंथ हमारे लिए वो है और संविधान हमारे हिंदुस्तान का आन बान शान है, चाहे कोई हो। आरएसएस का संविधान जो लंबे समय तक जिन्होंने राष्ट्र ध्वज नहीं फहराया, आज वो ज्ञान देंगे संविधान और राष्ट्रभक्ति पर। चित्रा जी 1947 से पहले भी यही बात कहने वाले बहुत सारे लोग थे। 1947 में भारत का विभाजन हुआ और इस बात पर हुआ कि हम दोनों साथ नहीं रह सकते। हमारे देश के नेताओं ने, सुन लीजिए प्लीज, हमने की लड़ाई का क्या बता दीजिए, हम लालटेनधारी कार्यालय में बोलने नहीं दे रहे, बता दीजिए। देखिए बोलने दो सवाल हमारा है, नहीं दो बता दीजिए, मेरा दो सवाल बता दीजिए, आप इसके बाद पूरा डिबेट। मदनी ने संकेत दे दिया, चाहते आरएसएस में राष्ट्र ध्वज क्यों नहीं फहराए जाते थे, इस्लाम की जमीन है, आजादी की लड़ाई में आरएसएस का क्या योगदान नैरेटिव है, यही बता दीजिए। ये आक्रामक पॉलिटिकल इस्लाम का नहीं समझ रहा है, इस संकेत को नहीं समझ रहा है तो आने वाले दिनों में स्थितियां कट्टरता, लेकिन दोनों तरफ है ना, नहीं है एक एक इस्लाम की कट्टरता अपने अपने को फैलाने के लिए है, हिंदुओं की कट्टरता अपने आप को बचाने के लिए है, इन दोनों में फर्क पड़ा। जाड़े के दिन में मंकी टोपी पहन लेते हैं, हम बंदर नहीं हो जाते हैं, वो जाड़े से सुरक्षा के लिए, हमारी आक्रामकता जो है वो अपने आप को बचाने के लिए, कोई इस्लामीकरण करने के लिए हमने नहीं किया है। हाँ। लेकिन वो इस देश का अर्बनाइजेशन हाँ। और इस्लामीकरण के प्रचार के लिए यहाँ पर आप गजवाए हिंद करने के लिए, पीएफआई का कौन सा एजेंडा, सिम्मी का कौन सा एजेंडा? देखिए चित्रा जी, हो गया हो गया, राजीव जी बहुत बोल लिए, बहुत बोल लिए, सुन लिए, लेक्चर हो गया, लेक्चर टाइम खत्म, वचन भी होगा। अरे प्रोफेसर जी लेक्चर टाइम खत्म, सुनिए अभी काम की बात प्रोफेसर जी, काम की बात, लेक्चर टाइम ओवर। सुनिए अभी चित्रा जी, अभी मैं देख रहा था आपके चैनल के ऊपर विजुअल दिखा रहे थे पलामू के, अभी जो पलामू है, सबसे पहले तो वायलेंस हर तरह का मैं खंडन करता था, करता हूं, करता रहूंगा, वायलेंस नहीं होना चाहिए, मगर ये किसकी वजह से हुआ? आपको पता है जब मस्जिद के पास सामने जो लोग दरवाजा बना रहे थे वो कभी भी ऐसा अलाउड नहीं था, ये सब गए थे पुलिस स्टेशन के अंदर, बात चल रही थी, मगर सरकार की बेजवाबदारी की वजह से ये फ्लेयर अप हुआ। और आप देखिए किस तरह के विजुअल दिखा रहे, मस्जिदों के ऊपर पथराव मारे जा रहे हैं, मुसलमानों की दुकानों को जलाया जा रहा है, वहां पर मोटरसाइकिल को जलाया जा रहा है, तो अगर कहीं पर भी द्वार बना दिया जाए उनका त्योहार है तो फिर क्या दिक्कत हो गई? की वजह से हुआ ये, उनका त्योहार है, अगर गेट कहीं पर बन गया वो परमानेंट तो बनाया नहीं जा रहा है, वो तो केवल कार्यक्रम के लिए बनाया जा रहा है, तो फिर उस पर क्या दिक्कत? प्रशासन को नहीं 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 सुनिए, पुलिस प्रशासन को पता था ना कि वहां पे पहले की भी फायरिंग हो चुकी है वहां पे जेएमएम के राज्य में, तो क्यों फिर उन्होंने प्रोटेक्शन, क्यों प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिया, क्यों इस तरह की घटनाओं को बढ़ने दिया? तो ये आरएसएस के मंसूबे होते हैं कि पहले तो ये भी कहा जा रहा है कि पत्थर जमा करके रखे गए थे वहां पर मुसलमानों को बदनाम करो, ये इस तरह की भी खबरें हैं कि पत्थर जमा करके रखे गए थे, अगर मस्जिद के बाद पत्थर पड़े थे सब कर रहे थे, पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी फिर? तुम्हारा ये फेलियर नहीं है? यही तो हम लोग बोल रहे हैं ना कि वह सरकार की फेलियर है जिसका खामियाजा वहां का मुसलमान भुगत रहा है, ये आरएसएस की चाल है,
ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की चाल है कि पहले उकसाओ और उसके बाद जब मुसलमान आए तो उसको मारो, उसके खिलाफ इल्जाम लगाओ, कोई भी हो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, अगर वायलेंस में मुब्तिला है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, संघ कानून के तरफ कार्रवाई की जाए। मगर सरकार अपनी जो चाले चल रही है, जो विश्व हिंदू आरएसएस, ये सब लोग देख रहे। देखो मैं पहले भी कहा था चित्रा जी, आपके चैनल पे 10 बार मैं डिबेट कर चुका हूं, और मैंने बोला था कि जो बुलडोजर की पॉलिसी है ये खराब है, यह संवैधानिक है, कायदे कानून के विरुद्ध जा रहे हैं। नहीं, सब लोगों ने कहा नहीं, मुसलमानों के घर है, बुलडोजर हो रहे, तालियां लोग बजा रहे थे, गा रहे थे, चिल्ला रहे थे, मेमेज बन रहे थे। अब क्या हो गया, यूपी के अंदर ही बुलडोजर चला, जहां हमारी दो हिंदू बहने, एक माँ बेटी जिंदा जल गई, इसकी वजह से हुआ, यही योगी सरकार की वजह से। शलभ मणि जी इसका जवाब देंगे, लेकिन पलामू वाले पे जल्दी से आपकी टिप्पणी हो जाए, ठीक है? शलभ मणि जी इसका जवाब देंगे, लेकिन वो पलामू की घटना के लिए सीधे आपका पुलिस प्रशासन सरकार जिम्मेदार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी की जो पुलिस प्रशासन वहाँ अपना काम कर रही है। पुलिस प्रशासन कोई जाति धर्म देखकर नहीं करती है, जो भी कानून तोड़ेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी, वो सलाखों के पीछे होंगे। ये कानून का राज है झारखंड में, इसलिए अगर वहां पर जो मामला पलामू का आप दिखा रही हैं, कह रही हैं, उस मामले को गंभीरता से सरकार प्रशासन ने लिया, उनकी गिरफ्तारी हुई है, पूरी जानकारी, चूंकि हम आज ही पटना से आए हैं, पूरी जानकारी हमें नहीं है, हम आपको बता देंगे वहां के एसपी से बात। जो मेन कॉन्स्पिरेटर थे वो कह रहे हैं मुख्य षड्यंत्रकारी को पकड़ा है क्या? मुख्य षड्यंत्रकारी चाहे जो भी होंगे, वो सलाखों के पीछे होंगे, जिन्होंने भी कानून तोड़ने का, इस तरह के माहौल खराब करने का प्रयास। लेकिन आए दिन अगर हर त्योहार में इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी तो पलट कर कई सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है? यही तो नफरत फैलाने की बात हम लोग करते हैं, मेन मुद्दे पर जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लोग हैं वो इसी तरह का घृणा और नफरत फैलाकर आपस में भाई भाई को लड़ा रहे हैं, यही तो इनका बीज बोने का काम हो रहा है। वारिस पठान जी पे आप सवाल उठा रहे हैं, पर हमने पहले इनका दिया, हम किस पर सवाल उठा रहे हैं? कौन है कट्टरपंथी? कौन है? आप बताइए ना, कौन है कट्टरपंथी? जो लोग नफरत की सवाल के पीछे कौन कर रहा है, कौन कर रहा है विध्वंस की राजनीति? यही मॉडल एजेंडा है आज देश में, इनकी पार्टी भूरा बाल। आपकी सरकार क्या कर रही है वहाँ पर? हमारी पार्टी तो हमारी आपकी सरकार है, आपका राज्य है वहां पर, अगर बीजेपी, आप कह रहे हैं बीजेपी आरएसएस, तो कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? शांति कायम रखना तो आपकी जिम्मेदारी है, बीजेपी की तो है नहीं। हमने कहा ये तो कार है जो वोट नहीं देंगे पाकिस्तान भेज देंगे, ये भी हमेशा ये भी कहने वाले यही लोग हैं हमेशा। आपको पता है चुनाव में क्या कहा गया था? जो वोट नहीं करेंगे बीजेपी को पाकिस्तान भेज देंगे, भेज दिया। ये सब कह करके सिर्फ माहौल खराब करेंगे, वोट की राजनीति इतनी निचले स्तर पर नहीं जानी क्या चाहिए। क्या ये वोट बैंक की राजनीति है शलभ मणि त्रिपाठी जी? वो कह रहे हैं निचले स्तर पर राजनीति को लेकर नहीं जाना चाहिए बीजेपी को। देखिए मुझे लगता है कि पलामू की घटना तो आज कल में हुई है, मृत्युंजय तिवारी जी जो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे जो बिहार के इलाके हैं, मुझे लगता है वहीं से आते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी गोपालगंज के भीतर एक धर्म स्थल के पास, मुझे लगता है कि करीब 4-5 नौजवानों को जो ओबीसी समाज से आते थे, चरमपंथियों ने चाकुओं से गोदा, और एक लड़के को 27 चाकू मारा गया। 3 लड़के गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए, जहां पर मुख्यमंत्री जी की देखरेख में, योगी आदित्यनाथ जी की देखरेख में उनका इलाज हुआ, बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची। क्या कार्रवाई आपने की? गोपालगंज के भीतर भी आपने तुष्टिकरण किया, क्योंकि आप वोटों की राजनीति करते हो। और देखिए चित्रा जी, पूरा मसला शुरू हुआ हिंदू शब्द को लेकर शुरू हुआ, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वारिस पठान साहब, हिंदू क्या क्या समझिएगा, हिंदू क्या समझिए, धर्म के चश्मे से देखते हैं, जाति के चश्मे से देखते हैं, यही दुर्भाग्य चलवा दिया। सुनिए सुनिए, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, आपके मानसिकता में कोई अपराधी है, कोई आतंकी है, धर्म के चश्मे से देखते हैं, हिंदू शब्द यही है, यही हिंदू है जो बहुसंख्यक, अरे हम भी हिंदू है, वह हिंदू है, अरे हिंदू धर्म वो है कि जो इस देश में सबसे ज्यादा, आप ये बार बार पीट कर क्यों कह रहे हैं हिंदू है, हिंदू है, आपको कौन कह रहा है कि आप हिंदू नहीं? इस्लामिक राष्ट्र हो तो हमारा भी अलग राष्ट्र बनाओ। हिंदू वो है जो ये कहे कि नहीं, अनाज हमें मिल रहा है तो बाकी धर्मों के लोगों को भी मिलना चाहिए। हिंदू वो है जो कहे कि हमारी गरीब कन्या की शादी हो रही है, वो जो जल गए घर के अंदर, वो कौन से मुसलमान थे? यही हिंदू तो महिलाएं, हमारी हिंदू बहनें जो जल गई, हिंदुत्व की राजनीति करना चाहते हैं उनको, किसकी लापरवाही से, किसका बुलडोजर था, कब से बुलडोजर बाबा चला रहे थे ना बुलडोजर, क्या हुआ आप, क्या हुआ आप, क्यों खामोश है शलभ मणि, आप क्यों नहीं बोलते, क्यों खंडन नहीं करते बुलडोजर की, क्यों खंडनता नहीं करते उस घटना की जिसमें हमारी दो हिंदू बहनों का जलाकर मार दिया गया, उनको क्यों खंडन नहीं करते उस बात की? पार्टी उत्तर प्रदेश में भी आई थी, लेकिन हमने नफरत फैलाने नहीं दिया, इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की कि नफरत नहीं फैला पाए पूरे हिंदुस्तान में। अभी नफरत तो आप फैला रहे हो,
आप क्या कर रहे हो, मोहब्बत फैला रहे हो? आपको मोहब्बत का मतलब भी मालूम है क्या? हाँ, अरे मोहब्बत का मतलब तो जाने दो, आपने तो दो हिंदू महिलाओं की जान ले ली, उनके घरों को जला दिया। एक एक करके बोलेंगे, आवाज समझ में आएगी। ठीक है बारिश पठान जी, आपने जो सवाल पूछे हैं जवाब सुन लेते हैं। दोनों लोग साथ में बोलेंगे, आवाज साफ नहीं सुनाई देगी। शलमणि जी, देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि कौन नफरत फैलाता है। ये बारिश पठान साहब की पार्टी आई थी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, गली गली मोहल्ले मोहल्ले गए, इन्होंने नफरत फैलाने का प्रयास किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का कानून था कि अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए और इसीलिए कुंठित भाव से घूमते हैं। आज बिहार के भीतर क्या हो रहा है, धर्म के आधार पर निर्णय हो रहे हैं। गोपालगंज के भीतर धर्म के आधार पर हत्याएं हुई, पलामू के भीतर धर्म के आधार पर दंगे होते हैं और इसलिए हिंदुत्व की बात आती है। क्यों? क्योंकि हिंदुत्व वो है जो नफरत नहीं बोता, वो अपने लिए अलग राष्ट्र नहीं मांगता, वो ये नहीं कहता कि मैं भूखा नहीं रहूंगा और लोग भूखे रहने चाहिए, वो अलग राष्ट्र बनाने के लिए कत्लेआम नहीं करता। इसलिए बोलिए बारिश पठान। अच्छा 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 अच्छा, आपने क्या इंसाफ की बात कही, आपने संविधान की बात करी, आपने कहा योगी जी तो एकदम कानून कायदे का पालन करते, संविधान को मानते, क्या कारण का, क्या कायदे कानून का पालन किया योगी जी ने बताइए ना। अरे हमारी दो बहनें जल के मर गई वहां पर, दो हिंदू बहनें जल के मर गई वहां पर, क्यों जवाब है, किसने बुलडोजर चलाया? सुनिए सुनिए आप एक नेता ने कहा, सुनिए किसने बुलडोजर चलाया। हम अगर पहले से बोल रहे थे कि अगर आप संविधान को मानते और कायदे कानून को हाथ में नहीं लेते ना, तो आज दो महिलाओं की जाने बच जाती, दो हमारे हिंदू बहनों की जाने बच जाती अगर कायदे कानून का पालन किया होता तो। चित्रा जी मुझे बोलने दो ना। ठीक है दोनों लोग साथ में बोलेंगे। ठीक है आराम से। अब मैं जरा बाकी मेहमानों को भी लेकर आना चाहूंगी। एक बार फिर से बहुत सारे मुद्दे आपकी ओर से उठाए गए। चित्रा जी मुझे तो बोले सर, आप लगातार बोल रहे थे इसलिए शलभ जी की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो स्काइप पे बैठे हुए। जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, चक्रपाणी जी भी इंतजार कर रहे हैं। बोलिए, जल्दी से बोलिए सर। आपने कानपुर की घटना को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अच्छा, मैं जवाब ले लेती हूँ। शलभमणि त्रिपाठी जी, मामला गंभीर है और सरकार जवाबदेही से बच नहीं सकती है। पुलिस हटा दो, उसके बाद अगर संविधान को माने होते तो ये नौबत नहीं आती बुलडोजर चलाने की। कायदे कानून का पालन करे तो नौबत नहीं आती, दो महिलाओं की जाने बच जाती। आप संविधान की बात करते हैं, क्यों कानून तकनीकी दिक्कत आ रही है शलभ जी आपकी आवाज में। आप आखिरी मिनट में हैं हम कार्यक्रम के। स्वामी चक्रपाणी जी, एक बार फिर से मैं आ जाती हूँ जिस मुद्दे को लेकर इस चर्चा की हमने शुरुआत की थी। देखिए बार बार आप लोगों की ओर से आप लोग भगवा पहनकर हिंदू राष्ट्र की बात लगातार करते रहिए, लेकिन जो दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हैं उनको साथ में लेकर चलने की जिम्मेदारी भी तो आप लोगों की है ना। अगर बार बार हिंदू राष्ट्र कहा जाएगा तो क्या एक ऐसा तबका नहीं है जिसके भीतर इस बात को लेकर भावना पनपेगी कि भेदभाव किया जा रहा है? और आगे आने वाले वक्त में अब चूंकि बीजेपी की सरकार है, आप लोग हैं, तो क्या कोई बड़ा प्लान भी तैयार किया जा रहा है इसके मद्देनजर? तो फिर सबका साथ सबका विकास, हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग संसद के सर्व, हम लोग संवैधानिक तरीके से चाहते हैं। हाँ। दूसरी तरफ कोई बोल नहीं रहा है बल्कि गजवा हिंद बना रहा है। आप बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, 10-20 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों सरकारी विद्यालय जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बने वहां पे वो उर्दू विद्यालय हो गया, वहां पे जुम्मे को नमाज पढ़ाया जाता है, वहां पे जुम्मे को छुट्टी किया जाता है, वहां पे रविवार को छुट्टी नहीं होता, वो हर चीज इनकार किया जाता है जो संवैधानिक दायरे में आता। यानी सरकार उसको खर्चा चलाती है और वहां पे इस्लामी को मदरसे के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। दूसरी बात, अभी हमारे माननीय मृत्युंजय जी कह रहे थे सारे जहां से अच्छा, सुन लीजिए, सारे जहां से अच्छा हिंदू राष्ट्र है लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा, ये इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि यदि इसी प्रकार से इस्लामिक पॉकेट्स बनते रहे भारत में और मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ती रही, रेडिकल पॉलिटिकल इस्लाम बढ़ता रहा, तो भारत के लिए खतरे बहुत साफ हैं। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था, क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात वोट के लिए की जा रही सियासत है? आपके जो जवाब हमें मिले हैं, 52% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 48% लोगों का जवाब नहीं में है। अब हिंदू राष्ट्र को लेकर सरकार, पार्टियां, बीजेपी कैसे आगे बढ़ेगी और इस पूरे मामले को लेकर किस तरह का माहौल रहता है देश के भीतर, लगातार इससे जुड़ी हुई हर एक खबर, हर एक जानकारी आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा दंगल में। इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।